हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आज कुछ काम से बाहर चला गया था इसलिए सेशन अभी ले रहा हूं, ठीक है जी। बाकी कल से आपको जो है प्रॉपर टाइम में आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज है 30 जून। 30 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कवर करेंगे। जो भी आपके एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी बड़ी बड़ी एग्जाम हो, छोटी छोटी पीयून तक के एग्जाम में करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे जाते हैं। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट हम जो है डाउनलोड करके आपको रिवाइज कर। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो 28 जून को राष्ट्रीय स्तर पर जो है बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो बीमा लेने के जो आप देखें बहुत सारे जो है बीमा रहते हैं, ठीक है, हर क्षेत्र के अलग अलग जो बीमा होते हैं, तो बीमा लेने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अवसर समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है युवा अवस्था लेकर पूरा सेवानिवृत्ति तक ये जो बीमा यहाँ पे जो है अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने में जो है मदद करता है, इसलिए यहाँ पे जो है 28 जून को पूरा जो है सभी लोगों को जो है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है? पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व या इनमें से कुछ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है जी? तो पेंच टाइगर रिजर्व ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसी टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली शुरू की है। कहने का मतलब है जो महाराष्ट्र का जो पेंच टाइगर रिजर्व है, यहाँ में जो है एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यहाँ पे जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य यही है, जंगल में आग लगने की घटना वगैरह आप सुने होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है अगर बाय द वे जहाँ किसी वजह से जंगल में जो है आग लगने की घटना को जो है पहले से पता जो है लग जाएगा, इस सिस्टम को जो है ऐसा तैयारी किया गया है कि जो है आग लगने से पहले यहाँ पे जो है सिस्टम जो है के माध्यम से जो है यहाँ पे जो है फॉरेस्ट विभाग को जो है, ठीक है जी, यहाँ पे जो है टाइगर रिजर्व को जो है पता चल जाएगा और उसमें जो है उसको रोकने के लिए बहुत इसमें जो है अलर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पे जो है इस AI जो है प्रणाली शुरू किया गया है आपका पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है जी। तो इस तकनीकी का विकास सार्वजनिक यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। दक्षिण कोरिया, जापान और आपका अमेरिका, इन तीनों देशों के बीच जो है त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास जो है शुरू किया गया, ठीक है जी। ये 27 जो है जून को स्टार्ट किया गया, ठीक है। जापान, अमेरिका और आपके दक्षिण कोरिया, ये खास करके यहाँ पे जो है आंतरिक जो स्थिरता, ठीक, आंतरिक जो मतलब इनके देश में जो जैसे यहाँ पे जो है बहुत सारे जो विद्रोह वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, जो सैन्य वगैरह यहाँ पे जो है जहाज वगैरह विमानों का जो है अभ्यास है, ठीक है, मतलब जो है दुश्मनों को लड़ने के लिए जो है अभ्यास को किया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये तीनों देशों के बीच किया जा रहा है। अमेरिका की बात करूँ, वाशिंगटन डीसी की राजधानी है, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस यहाँ के अभी उपराष्ट्रपति, ठीक है, हमारे भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? अम्बाला, जयपुर, गुवाहाटी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो है प्लास्टिक वेस्ट जो है रोड है, ये जो है दूसरा मिलिट्री स्टेशन है कहाँ बना है? जयपुर। कहने का मतलब यही है जो जयपुर जो मिलिट्री स्टेशन यहाँ पर जो है इसको बनाई गई है, ठीक है। ये जो प्लास्टिक कचरे से, ठीक है, ये प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने वाला जो है दूसरा मिलिट्री स्टेशन है जो आपके जयपुर में इसको बनाई गई है, ठीक है। ये आपका दूसरा मिलिट्री स्टेशन है। पहला कहाँ पे बनाया गया है? तो असम में बनाया गया है, ठीक है। पहला आपके असम में बनाया गया है और दूसरा आपका जो जयपुर में, ठीक है। तो असम के जो नारंगी मिलिट्री स्टेशन के बाद प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करके जो है सड़क बनने वाला भारत दूसरा मिलिट्री स्टेशन आपका जयपुर बन गया, ठीक है जी। जिसको आपको याद रखना है। हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल जो है एरियल टारगेट अभ्यास का विकास जो परीक्षण कहाँ पे शुरू हुआ है? ये जो है पूरा हुआ है, कहने का मतलब ये है एक तरह का अभ्यास है, ठीक है। तो ये जो है ओडिशा के जो है, ठीक है, तो ओडिशा में जो है DRDO, ठीक है, DRDO के द्वारा, ये जो भारक्षण अनुसंधान के द्वारा जो है DRDO के द्वारा ओडिशा के जो चांदीपुर में, ठीक है, ये जो परीक्षण रेंज ये बेहतर यहाँ पर जो है हाई स्पीड के साथ ये जो है अभ्यास को किया गया है, ठीक है। ये जो है
इस जो परीक्षण ये सफलतापूर्वक पूरे यहाँ पे कर लिया गया है, इसकी जानकारी जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो उड़ीसा के याद रखिए, उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से जो है जैसे चिल्का लेक कहाँ पे स्थित है उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर कहाँ पे, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है, पूरी जगन्नाथ मंदिर ये है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है, बाराबती स्टेडियम, ये सभी जो है आपका उड़ीसा में है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। हाल में कौन जो है 12वें विश्व हिंदी जो है सम्मान से सम्मानित हुई है, चित्रा बनर्जी, अरुंधति रॉय, डॉक्टर उषा ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उषा ठाकुर को, उनको जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई। कहने का मतलब ये है वो डॉक्टर जो उषा ठाकुर, ये जो डॉक्टर उषा ठाकुर इनको कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है, नेपाल में जो है भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में इनको हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए जो उनको 12वें, ठीक है, 12वें विश्व हिंदी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, इसको आपको याद रखिएगा। और ये जो है हिंदी, ठीक, इन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया और हिंदी भाषा को मजबूत इन्होंने किया, इसी के क्षेत्र में इनको जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है, नाम को याद रखना है। हाल ही में टाटा संस ने कहाँ 650 करोड़ रुपये के लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा, मथुरा या अयोध्या में, वाराणसी में या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो टाटा संस के द्वारा लगभग 650 करोड़ रुपये के लागत से ये आपका मंदिर जो संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के जो है अयोध्या में बनाया जाएगा, ठीक है, टाटा संस के द्वारा, ठीक है, मंदिरों का जो संग्रहालय बनाने के लगभग इसके लिए 650 करोड़ रुपये जो है इसको प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है, टाटा संस के द्वारा। और इसके अतिरिक्त तो अयोध्या के विकास के लगभग 100 करोड़, ठीक है, ये आपका 100 करोड़ है, 100 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। और लखनऊ प्रयागराज यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर सेवाएँ भी इसके तहत शुरू किया जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर जो है लगाया जा रहा है, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है। तो विश्व में पहली बार, जहाँ पे पहला शब्द आता है तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डेनमार्क में पहली बार इस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया, एक तरह का जो उत्सर्जन टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, डेनमार्क में। तो डेनमार्क में गाय बकरी पर उत्सर्जन जो है टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है जी। और ये जो डेनमार्क, अभी जो खास करके यहाँ पे देखेंगे तो कहने का मतलब ये है जो डेनमार्क में, यहाँ पे जो डेनमार्क जो जितने भी पशु वगैरह हैं 2030 तक, ठीक है, 2030 तक गाय भेड़ और सुअर से जो उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है उसके जो है एक तरह के उस पर जो है गैस यहाँ पे जो है कर लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस जो मीथेन से एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, इससे हमारे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही योगदान होती है, ठीक है, इसलिए इस टैक्स को यहाँ पे जो है लगाई जाएगी, ठीक है जी। और ये जो टैक्स है एक तरह के टैक्स को इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये जो है जो उत्सर्जन हो रही, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो पर्यावरण को जो नुकसान पहुँचा रही, इसको जो है ग्रीन हाउस गैस को जो है कम करना इसका मेन उद्देश्य, इसीलिए इस टैक्स को यहाँ पे लगाई जा रही है। डेनमार्क की बात, तो डेनमार्क ये कंट्री आपके कहाँ पे आती है, यूरोप के अंतर्गत बसा हुआ देश है, ठीक है, और इसकी जो है ये यहाँ पे बात कर, यहाँ पे जो है ये आपका जो है ईसाई धर्म के लोग यहाँ पे ज़्यादा निवास, कोपेनहेगन, याद रखिए डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज डेनिश यहाँ और जर्मन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ की अगर सरकार की बात करूँ, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोटे जो फेडरेशन है यहाँ का भी प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, हाल ही में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, गौरव मित्तल, विक्रम मिस्त्री, नवीन चंद्र झा या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने अगला विदेश सचिव किसको बनाया गया है, विक्रम मिस्त्री, ठीक है। तो इन केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि जो उप जो राष्ट्रीय सलाहकार जो विक्रम मिस्त्री को इनको जो है अगले विदेश सचिव के पदभार इन्हें जो है संभाला जाएगा इनके द्वारा, ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए सैन्य अभ्यास अजमय जो है इस्ते हकाम के जो शुरुआत की है, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये जो है एक सैन्य जो अभ्यास किया जा रहा है जिसका नाम अजमय जो इस्तेहकाम के जो शुरुआत इनके द्वारा, ये एक तरह के बहुत सारे देखे मैं जो सैन्य अभ्यास जो है बताते रहते, तो उसी तरह के यहाँ पे पाकिस्तान में भी कराया जा रहा है, ठीक है, जिस सैन्य शक्ति को मजबूत बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने वाली, बाकी इससे क्वेश्चन आपका आना नहीं है तो ज़्यादा डिटेल जाने की दिक्कत नहीं है, मतलब ज़्यादा डिटेल हम नहीं चाहेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आएगा भी नहीं। हाल ही भारतीय लोक
और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत कहाँ हुई है? दुबई, पेरिस, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई जाना माना आप शहर है, सभी जानते हैं। दुबई के सबसे पुराने कला संस्थान दुबई आर्ट सेंटर में 3 दिनों हमारे जो भारतीय लोक कला और जनजाति कला के जो है यहाँ पे जो है बहुत ही यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग मनमोहक जो है प्रदर्शनी यहाँ पे चल रही है, जिसका नाम हुनर दिया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है हमारे जो है जनजातियों की उनकी जो कला, ठीक है, कला प्रदर्शनियों को यहाँ पे जो है यहाँ पे जो प्रदर्शित किया गया है दुबई में, जिसमें अलग अलग जो है विभिन्न प्रकार के लोक कला जनजाति जो विधाओं के जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जो है इसमें दर्शाया जाएगा। ठीक है जी, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी जो, ठीक है, वुमेन जो क्रिकेट प्लेयर महिला क्रिकेट प्लेयर हैं शेफाली वर्मा। ठीक है, तो शेफाली वर्मा ने टेस्ट इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक इन्होंने लगाया। उन्होंने अपने करियर के पहले मतलब जो है इनका दोहरा शतक है, दूसरा शतक है, इन्होंने 194 गेंद में इन्होंने पूरा किया है, और किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, इन्होंने याद रखिएगा, और उन्होंने मतलब जो है इनका जो है पहला ये सबसे इनका दोहरा शतक है कहने के यही मतलब है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, महिला क्रिकेट प्लेयर हैं भारत के। हाल ही में ब्लिंक एक्स ने कहाँ जेन AI लैब लॉन्च की है? दिल्ली, कानपुर, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ब्लिंक एक्स क्या चीज़ है? तो एक तरह का ये जो है मतलब जो है निवेशक है, अलग अलग जो है सेक्टर में जो है सेवा अगर यहाँ पे करती है। ठीक है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे बड़ी बड़ी दूसरा बिजनेस, बहुत सारी इसके जो है यहाँ पे जो है मार्केट फैली हुई है, काम करती है। ठीक है जी, तो इन्होंने AI जो है लैब लॉन्च की है मुंबई में। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत सारे सेवा जो है प्रोवाइड करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो संजना ठाकुर, याद रखिए संजना ठाकुर, इन्होंने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा का जो है पुरस्कार इन्होंने जीता है 2024 का। साथ ही साथ ही जो संजना ठाकुर जो है ये जो है लेखिका भी हैं। ठीक है, लेखिका हैं, राइटर हैं। तो इन्होंने लगभग 7359 संजना ठाकुर को दुनिया भर में देखेंगे तो 7359 प्रतिभागियों को जो हराकर गुरुवार लंदन में, ठीक है, लंदन में इन्होंने ये जो है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार इन्होंने खिताब जीता है। ठीक है जी, ये भारत के मुंबई के रहने वाली। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा देश जो है FATF, ठीक है, FATF की ग्रे सूची से बाहर हुए है? तो तुर्की है। पहले बात जानते हैं आपका FATF होता क्या है। तो एक तरह के जो है अंतर सरकारी जो है संगठन है, जिसकी स्थापना कब किया था, 1989 में स्थापना किया गया था। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे जो है मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादी जिनको जो है यहाँ पे जो है फंडिंग किया जाता है। ठीक है, उनको आतंकवादी वगैरह होते हैं, यहाँ जो है उस संगठन से जुड़े होते हैं या उनको जो है फंडिंग किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो है हमारे खतरों से हमको नुकसान, पूरे देश को नुकसान है, इसीलिए इस जो FATF का जो है इसको जो है बनाया गया, ठीक, संगठन को। ठीक है, भारत जो है 2010 में इसका सदस्य बना था। FATF काम कहाँ पे करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, कोई देश मतलब जो है आतंकवाद देश मतलब जो है वहाँ पे सपोर्ट करती है या गलत तरीके से इलीगल तरीके से जो है फंडिंग करती है, पैसा करती है, मनी लॉन्ड्रिंग करती है, इस पर जो है एक्शन लेती है। इसमें जो है तुर्की होगा, वियतनाम होगा, इन देशों को जो है ग्रे लिस्ट में डाली गई थी। ठीक है, अब इसको जो है बाहर कर दिए गए तुर्की को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। ठीक है जी, PDF और टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।